में बड़े पैमाने पर तवल्लुद तबादले, अहमद रजा सर्विस सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब तैनात, वासिफ खुर्शीद को सेक्रेटरी खजाना पंजाब लगा दिया गया, उस्मान अली खान सेक्रेटरी इन्वायरमेंट पंजाब मुकर्रर, एहसान बुट्टा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डॉक्टर फरह डी जी आर क्यारोची और अरशद मंसूर डी जी लेबर पंजाब तैनात। तुर्की यूरोप और अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पीआईए का 14 नवंबर से तुर्की के लिए हफ्तावार 6 परवाजें चलाने का फैसला। यूरोप जाने वाले मुसाफिर इस्तांबुल से पीआईए तुर्किश एयरलाइन को डीशीए माहिदे के तहत सफर कर सकेंगे। लाहौर से 2 और इस्लामाबाद से 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। टीसीपी और लाहौर के मामले पर विफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने, पंजाब हुकूमत की एक बार फिर गुलाम महमूद डोगर को विफाक बेचने से मास्टर, सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कहते हैं टीसीपीओ के मामले पर हमारी पोजीशन वासे हैं, विफाक को हमारे मौके पर आगाह कर चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन का आसिफ सरदारी से टेलीफोनिक राबता, चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ सरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए पहले अपना एजेंडा वासे करें, सिविलियन और सियासतदानों को फौज के मामलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए अशिया सुरिया की कीमतें कम करने का हल तजवीज करें। पंजाब हुकूमत में इख्तलाफात या कोई और वजह, तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ नजर गुजर का वजारत छोड़ने का फैसला। वजीर मातनियात लतीफ नजर गुजर ने कहा साथी वजूहात पर इस्तीफा देने का फैसला किया है, वजीर आला पंजाब के वतन वापसी पर वजारत से इस्तीफा पेश करूंगा। आजादी की तहरीक चलेगी और लॉन्ग मार्च भी होगा, अवाम के समंदर को हुकूमत नहीं रोक सकेगी। इमरान खान पर इल्जामात अफसोसनाक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे इल्जामात शहबाज शरीफ पर हैं। इमरान खान ने आज तक वोट खरीदने की बात नहीं की, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की डीजीपीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली तरीके से ऑडियो बनाई गई, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब प्यासुल हसन चौहान का कहना है कि 80% अवाम हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इल्जाम लगाने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें, नवाज शरीफ की चोरी की मिसाल कनाडा की यूनिवर्सिटी में दी जाती है। जमात इस्लामी का ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ मॉल रोड पर एहतजाज, अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा हुकूमत ने ट्रांसजेंडर बिल में तरमीम ना की तो इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। मुल्क की 4 बड़ी जमातों ने ट्रांसजेंडर का बिल पास किया, पाकिस्तान में कोई बिल कुरान और सुन्नत के खिलाफ पास नहीं किया जा सकता। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी बिल इस्लाम और कानून के खिलाफ करार दिया। मासी में बिजली के महंगे प्लांट्स नोने की वजह से लगे, डाकों के टोलों की वजह से मईशत तबाही के दहाने पर हैं। मुशीर इत्तला पंजाब उमर सरफराज शीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तवक्को थी 4 माह की तबाही के बाद हुकूमत अवाम से मुआफ़ी मांगेगी, नवाज शरीफ झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देकर मुल्क से फरार है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कायम मुकाम वाइस चांसलर की तैनाती का मामला, हुकूमत ने जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कायम मुकाम वाइस चांसलर का चार्ज देने की मंजूरी दे दी। 24 घंटों में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी लॉ, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला ने समय पर दस्तखत किए। कानून के मुताबिक प्रो वाइस चांसलर की मौजूदगी में वाइस चांसलर का चार्ज किसी और को नहीं दिया जा सकता। करप्शन के इल्जाम पर एंटी करप्शन पंजाब ने आई जी इस्लामाबाद को तलब कर लिया, अकबर नासिर खान की 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे तलबी। आई जी इस्लामाबाद को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में करप्शन के इल्जाम पर तलब किया गया, अकबर नासिर खान बहसीत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर काम कर चुके हैं। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन में सैलाब सदकान की मदद में पेश एप्टमा की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए
20,000 राशन बैग्स फराहम कर दिए गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये वक्त 83 पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, सैलाब सदकान की मदद करने का है। हर किसी को मुतासरीन की दाद रसी करनी चाहिए। सैलाब सदकान की भरपूर इमदाद पर गवर्नर पंजाब ने बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। ममनुआ पढ़ने केस में बड़ी पेशरफ, FIA ने तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद समान को गिरफ्तार कर लिया। हामिद समान के बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ ट्रस्ट बैंक अकाउंट में 6,25,000 अमेरिकी डॉलर आए। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया जिसका इतलाक ही नहीं होता। FIA के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल की वजह से हाईकोर्ट ने मुदाखलत की। आइन का आर्टिकल 12 शहरियों को कानून की अदम मौजूदगी में माजी के जुर्म की सजा देने से रोकता है। तहरीरी फैसला जारी। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही इम्पोर्टेड सरकार पर लरसा तारी। साजिश के जरिए इख्तदार में आने वालों के घर जाने का वक्त आ गया है। चेयरमैन PTI हर माफिया को शिकस्त देंगे, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। शुगर मिल्स में मुकर्रर मकदार से ज्यादा चीनी की पैदावार को रेगुलाइज करने का फैसला। सूबाई वजीर पार्लियामानी अमूर राजा बिशारत की जिले सदारत कबीना कमेटी का इजलास। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि बाज़ शुगर मिल्स मुकर्रर मकदार से ज्यादा चीनी पैदा कर रही हैं। बाज़ शुगर मिल्स ने हुकूमत से NOC हासिल नहीं किया। राजा बिशारत की सिलेबस बनाकर इजाफी पैदावार के दौरान ही और हुकूमती फीस का तयन करने की हिदायत। डॉलर मुसलसल सवाल का शिकार, रुपया मजीद मुस्तहकम होने लगा। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 2 रुपये 2 पैसे सस्ता, ड्रबैक में डॉलर 219 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 224 रुपये में फ्रॉम। पंजाब पुलिस में सिफारिशी तयनातियाँ कारकर्दगी मुतासर होने लगी। जराइम की शरह बढ़ने पर IG पंजाब सीनियर पुलिस अफसरान से नाराज। CCPO, RPOs और DPOs को इजहार नाराजगी का मरासला जारी कर दिया। पंजाब में 90% तक जुराम में इजाफा, इश्तिहारियों गिरफ्तारी टारगेट के मुताबिक पूरी नहीं हो रही। पुलिस अफसरान क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हों। गाड़ी गलत पार्क की तो 2,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम पर सिटी ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर जुर्माना आयद होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी का भी 2,000 रुपये का चालान कटेगा। CTO लाहौर कहते हैं 3 रोज तक शहरियों को आगाही दी जाएगी। बच्चों की सेहत से खेलने वाले बास न आए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया में छापा। बच्चों के नाकिस और मिलावटी अशिया बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री से 7,400 किलो साइटन मयाद माल बरामद। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियास मलिक कहते हैं इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। हाई कोर्ट में साफ पानी को महफूज बनाने के केस पर समाप्त। मेंबर वाटर कमीशन ने जनखाना और रॉयल पंप में पानी के इस्तेमाल की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रॉयल पंप में 1600 गैलन पानी इस्तेमाल होता है। रॉयल पंप इंतजामिया ने जवाब वाटर कमीशन को जमा करा दिया। लाहौर जिमखाना ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी। 12,21,96,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 6,64,06,168 है। 5,57,89,954 खवातीन वोट डाल सकेंगी। घर में घुसकर शहरी पर तशद्दुद और चोरी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इस्तगासे का मामला। अदालत ने मुसलसल खैर हासिल पर SP मॉडल टाउन शेख सैन समेत 9 पुलिस एहलकारों की इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने SHO को 4 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। शहर में लैसों की जाली टीमें बिजली के पोल और कंडक्टर चोरी करने लगी। यूसुफ नगर में लैसों की जाली टीम बिजली के पोल और कंडक्टर चोरी करते पकड़ी गई। STO बंद रोड के इंद्राशी मुकदमे की दरख्वास्त नजरअंदाज। शेराकोट पुलिस ने अपनी मुतय में मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
बिजली बहरान बदस्तूर इम्तिहान, लेस्तो को 440 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली के ऐलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कारोबार भी मुतासर होने लगे। लाहौर में जीपीओ को सोलर पर शिफ्ट करेंगे, तमाम डाकखानों में एनर्जी सेविंग बल्ब लगाएंगे। पंजाब में 7,000 पोस्ट ऑफिस हैं, एक साल में पाकिस्तान पोस्ट को मुकम्मल डिजिटल कर दिया जाएगा। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब इमरान रजा का तकरीब से खिताब। वसीले जंगलात का महकमा वाइल्ड लाइफ के कंट्रोल रूम और लाइसेंस ब्रांच का दौरा। महकमे की सरगर्मियों का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। सूबाई वजीर अब्बास अली शाह कहते हैं जंगलात में चेक पोस्टों का निजाम मजीद मुनज्जम करेंगे। तुर्क वजारत सेहत के 3 रुकनी वफद का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की वफद को ब्रीफिंग। सेहत के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। सर्विसेज हस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही वॉक का एहतमाम। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफसल और प्रोफेसर तैयबा वसीम ने वॉक की क्यादत की। प्रोफेसर तैयबा वसीम कहती हैं हर माह में एक खातून ब्रेस्ट कैंसर के शिकार है, बर वक्त तशखीस से ही ब्रेस्ट कैंसर के इलाज मुमकिन है। और खेलों के फरोग के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला, हुकूमत का डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल करने का ऐलान। हुकूमत स्पोर्ट्स ऑपरेशंस बहाल करने के लिए इदारों को लेटर लिख दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारजात स्पोर्ट्स बंद कर दी थी। इमरान खान के इस फैसले से मुल्क भर में हज़ारों खिलाड़ी बेरोजगार हो गए।